यस लॉजिकल रीजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसमें हमेशा प्रॉब्लम आती है, पर अगर आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो तो पजल टेस्ट आप बहुत इजीली कर सकते हो। पैसेज आपको दिया होगा, उस पैसेज को अच्छे से रीड करना है और उस पैसेज के साथ जो आपको पैसेज दिया है उसमें 4, 5, 6 क्वेश्चन तक होते हैं। और इन क्वेश्चंस को करने का तरीका यही होता है कि अगर आपका बिल्कुल सही जो इन्फॉर्मेशन दी उसका बन गया चार्ट तो सारे क्वेश्चन करेक्ट होंगे, अदरवाइज हो सकता है कुछ रॉन्ग हो जाए। तो बहुत ही केयरफुल होकर करना चाहिए, बट अगर आपका मैथ्स के लॉजिक्स क्लियर हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। आप देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है वो मैं बताता हूँ। और क्वेश्चंस आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, इस सेशन को जब देखें तो क्वेश्चन का डिस्प्ले आपको दिखेगा, तो पहले आप क्वेश्चन को रीड करिए, सेल्फ सॉल्व करिए एंड देन उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखिएगा। ये पॉज करते हुए चलिएगा, इसमें आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, क्योंकि कई क्वेश्चन मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि आप ही कर लेंगे, मेरे सॉल्यूशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस बड़े होते हैं, बोर्ड पे इसलिए नहीं लिखे हैं, पर वो क्वेश्चंस की इमेज आपको दिखेगी। आप बिल्कुल आराम से क्वेश्चन को देखिएगा और फिर करिएगा। क्वेश्चन क्या है 1 to 5 समझें। क्वेश्चन में बोला है स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। बी एंड ई कुछ आपको करेक्टर्स दिए हैं, लाइक ए बी सी डी ई, ये 5 पर्सन हैं और ये कुछ करेक्ट ये वो हैं कोर्सेज हैं, डोमेस्टिक कंप्यूटर साइंस फिजिक्स हिस्ट्री और मैथ्स, इसको रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। तो इसका एक ये चार्ट मैंने इसलिए बनाया हुआ है कि इस चार्ट से करेंगे तो कोई मिस्टेक नहीं होगी। क्वेश्चन को रीड बाद में करना है, पहले पैसेज को रीड करना है और पैसेज को रीड करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। बट जब पैसेज बेस्ड क्वेश्चन किए जाते हैं तो एक बार क्वेश्चन पे नजर जरूर डाल लेना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पे नजर डालने से एडवांटेज ये होता है कि जब हम पैसेज रीड कर रहे होते हैं तो हमें ये समझ में आ जाता है कि हमें किस क्वेश्चन का क्या आंसर देना है। तो ये मैं आपको एक बात बोलूंगा, अक्सर हम ये होता है कि पैसेज ही पढ़ते हैं, पर मैं बोलूंगा यहाँ पर एक क्वेश्चन पे एक जनरल स्कैनिंग की, जैसे क्वेश्चन वाले हु इज गुड फिजिक्स हिस्ट्री एंड डोमेस्टिक, हु इज गुड फिजिक्स हिस्ट्री एंड डोमेस्टिक, हु इज गुड कंप्यूटर साइंस हिस्ट्री एंड डोमेस्टिक, हु इज गुड हिस्ट्री फिजिक्स कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स। तो ये एक चीज पे अगर आप थोड़ा सा वर्क कर लेंगे तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा, बाकी इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए जरा यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन क्या है। बी एंड ई आर गुड, बी एंड ई आर गुड इन डोमेस्टिक एंड कंप्यूटर साइंस। तो किसमें? बी एंड ई एंड कंप्यूटर साइंस, ये राइट लगा दिया सबसे पहले, ठीक है। फिर सेकेंड स्टेटमेंट क्या, ये स्टेटमेंट 1 था कि बी एंड ई जो हैं वो गुड हैं किसमें, डोमेस्टिक में और कंप्यूटर साइंस में। फिर सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, ए एंड बी आर गुड इन कंप्यूटर साइंस एंड फिजिक्स, ए एंड बी आर गुड इन कंप्यूटर साइंस एंड फिजिक्स, ए एंड बी कंप्यूटर साइंस एंड फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस ऑलरेडी लगा हुआ है। फिर है थर्ड स्टेटमेंट, ए डी एंड सी आर गुड इन फिजिक्स एंड हिस्ट्री, ए किसमें, फिजिक्स एंड हिस्ट्री। फिर ए के बाद बात कर रहे हैं डी, डी इज गुड फिजिक्स एंड हिस्ट्री, गुड इन फिजिक्स एंड हिस्ट्री, सी इज गुड फिजिक्स एंड हिस्ट्री, फिजिक्स एंड हिस्ट्री, ऐसे टिक करते चलिए। अब स्टेटमेंट नंबर 4 सुनिएगा क्या है, सॉरी स्टेटमेंट नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, स्टेटमेंट नंबर 4 है, सी एंड ए आर गुड इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, सी एंड ए आर गुड इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, सी एंड ए, तो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, सी एंड ए फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, ये हो गया। फिर फिफ्थ स्टेटमेंट बोला है डी एंड ई आर गुड इन हिस्ट्री एंड, डी एंड ई आर गुड इन फिजिक्स, सॉरी हिस्ट्री एंड डोमेस्टिक्स, तो ये हो गया, हिस्ट्री पे भी आप मार्क कर दीजिए, ये हो गया। अब इसके अलावा सब पे कट कर दीजिए जो जो बचे हुए हैं। ये सबसे बेस्ट वे होता है कि आप क्वेश्चंस का पहले प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चार्ट बना लें एंड देन उसके बाद स्टार्ट करें, कभी भी मिस्टेक्स नहीं होगी। बहुत केयरफुल होकर करना होता है, छोड़ने वाले क्वेश्चन नहीं होते। आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए यानी आप 5 क्वेश्चंस आगे निकल जाएंगे। अब क्वेश्चन रीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या है, हु इज गुड फिजिक्स हिस्ट्री एंड डोमेस्टिक, ठीक है, हु इज गुड फिजिक्स हिस्ट्री एंड डोमेस्टिक, ये नहीं है, ये नहीं है आंसर, फिजिक्स हिस्ट्री ये कट लगा है इसलिए ये भी नहीं है, यहां पर कट लगा ये भी नहीं है, ये हो सकता है, देखिए फिजिक्स हिस्ट्री एंड डोमेस्टिक, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट का डी, ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन सी करेक्ट है, पर आंसर क्या होगा, डी। ऐसा एक पर्सन बताना है
जो कि फिजिक्स में भी अच्छा हो, हिस्ट्री में भी अच्छा हो, ड्रामा में भी अच्छा हो, ये आपको एक चीज बतानी थी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में देखिए क्या है और समझिएगा, क्योंकि आपने चार्ट ऑलरेडी बना रखा है कि किसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, राइट। ये जहां पर भी याद रखिए ये है और ये नहीं है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर टू में हम पढ़ें तो क्वेश्चन नंबर टू में बोला गया है, बस इसमें पूरे पजल टेस्ट में एक ही इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ये डायग्राम अगर आपका सही बन गया या गिवन क्वेश्चन की इमेजेस आपने सही बना ली तो आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर टू में बोला, हु इज गुड इन फिजिक्स हिस्ट्री एंड कंप्यूटर साइंस। हु इज गुड इन, क्या क्या बोला क्वेश्चन नंबर टू में सुनिए, फिजिक्स हिस्ट्री एंड कंप्यूटर साइंस। तो फिजिक्स और हिस्ट्री के अगर देखें तो ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, ये तीन लोग हैं जो फिजिक्स और हिस्ट्री वाले हैं। अब उसके साथ कंप्यूटर साइंस भी देखिए, फिजिक्स हिस्ट्री कंप्यूटर साइंस में ये ए है, ओके, और कोई तो नहीं है, चेक करिए, ये हिस्ट्री में नहीं है, ये कंप्यूटर साइंस में नहीं है, राइट। तो इसके ऑप्शन जो दिए थे वो कुछ ऐसे दिए थे, ए बी सी डी। तो देखिए ए तो तीनों में, फिजिक्स हिस्ट्री कंप्यूटर साइंस में। अब बी की अगर मैं बात करूं तो बी हिस्ट्री में नहीं है, तो बी रिजेक्ट हो गया। सी की बात करूं तो सी कंप्यूटर साइंस में नहीं, रिजेक्ट हो गया। डी की बात करूं तो डी भी कंप्यूटर साइंस में नहीं, इसलिए डी भी रिजेक्ट हो गया। तो करेक्ट आंसर होगा सेकंड क्वेश्चन का ए, राइट। सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ए, अच्छे से समझते हुए चलिएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए क्या बोला गया है, हु इज गुड इन, सुनिए, हु इज गुड इन कंप्यूटर साइंस हिस्ट्री एंड ड्रामा स्ट्रिक्ट, ठीक है। हु, इसके ऑप्शन कुछ ऐसे दिए बेटा, ए बी सी एंड ई, देखते हैं क्या आंसर करेक्ट होगा। पहले तो कंप्यूटर साइंस वाले देखें, तो कंप्यूटर साइंस वाले ये हैं 1 2 3, यानी इसमें ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ई भी। सी तो रिजेक्ट हो गया, ऐसे रिजेक्ट करना चाहिए। अब उसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर साइंस का हिस्ट्री। तो अगर देखें तो हिस्ट्री में ए है, बी नहीं है, तो बी भी रिजेक्ट हो गया, और हिस्ट्री में ई भी है, ओके। इसके बाद बोला एंड ड्रामा। अब अगर मैं बात करूं ड्रामे वाली, तो ए नहीं है ड्रामे में, तो ए भी रिजेक्ट हो गया। तो बचा क्या, बचा ई। देखिए कब ई बचा, ई में बोला क्या है, ड्रामा कंप्यूटर साइंस और हिस्ट्री। अपने आप आपसे क्वेश्चन इजीली बनेंगे, राइट। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट आंसर होगा ई, ओके। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या बोला गया है वो सुनिएगा, हु इज गुड इन हिस्ट्री फिजिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स, ओके। हु इज गुड हिस्ट्री फिजिक्स कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स, ऑप्शन ये हैं ए बी सी एंड डी। अब देखिए अगर ए की बात करें तो ए चारों में ही गुड है, तो इसका आंसर ए ही होगा। बाकी सबको देख लो आप, बी को देखेंगे तो यहां कट लग गया, इन चारों को देखना है, सी को देखोगे तो यहां कट लग गया और वहां कट लग गया, डी को देखोगे तो कट लग गया। तो करेक्ट आंसर हुआ फोर्थ क्वेश्चन का ए, फोर्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ ए, यस। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है वो समझते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में बोला गया है, हु इज गुड इन फिजिक्स ड्रामा स्ट्रिक एंड कंप्यूटर साइंस। इसके ऑप्शन कुछ इस तरह से हैं, ए बी डी एंड ई। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि कौन किस में गुड है वो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स की, तो फिजिक्स में कौन नहीं है, फिजिक्स में ए बी डी और ई में ई नहीं है, ई रिजेक्ट हो गया, राइट। फिजिक्स के बाद बात करते हैं कंप्यूटर साइंस में, तो कंप्यूटर साइंस में कौन कौन नहीं है, कंप्यूटर साइंस में ए भी है, बी भी है, डी नहीं है, तो डी भी रिजेक्ट हो गया। उसके बाद बात करते हैं ड्रामा की, ड्रामा में ए नहीं है, तो बचा क्या, बी। तो फिफ्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बी, राइट। नोट डाउन ऑल क्वेश्चंस, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, समझते हुए चलिए। और मैं आपको केवल आइडियाज़ दे रहा हूँ, आप इन क्वेश्चंस में कोई भी न्यू पजल्स भी आएगी तो आप इजीली कर सकते हैं, बशर्त है कि आप बहुत ही कॉन्फिडेंस से पहले पूरे स्टेटमेंट को पढ़िए, रिलेटेड डायग्राम बनाइए। अगर वो रिलेटेड डायग्राम सही बनेगा तो ही सारे आंसर सही आएंगे, अदरवाइज रॉन्ग हो सकते हैं, तो बी केयरफुल। अगर नहीं बन पा रहा है, लीव दिस क्वेश्चन, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। और कभी भी याद रखिए पजल्स क्वेश्चन को स्टार्टिंग में ना करें, सबसे बाद में करें, क्योंकि कई बार टाइम लग जाता है, राइट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 to 10।
क्या क्वेश्चन है देखिए, अगेन 5 क्वेश्चन लिंक हैं, बहुत अच्छे से समझिएगा और फिर इस क्वेश्चन को करिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन का एक बेसिक समझे थीम, फिर उसके बाद क्वेश्चंस का थीम का इमेजिनेशन देख लें क्या है, और देन उसके बाद क्वेश्चन को पूरा रीड करें। पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस की एक प्रॉपर टेक्निक्स होती है, अगर इस टेक्निक्स को फॉलो करोगे तो आप हमेशा अच्छा स्कोर करोगे। अब जैसे देखिए क्या है क्वेश्चन, देयर आर 6 पर्सन ए बी सी डी ई एफ इन अ स्कूल, ईच ऑफ टीचर टीच 2 सब्जेक्ट, 1 कंपल्सरी 1 ऑप्शनल, ओके। फिर सब्जेक्ट दिए हिस्ट्री वगैरह सब, और फिर क्वेश्चंस को थोड़ा सा इमेजिनेशन देख लीजिए क्या, व्हाट इज सी कंपल्सरी सब्जेक्ट, हु इज फीमेल मेंबर्स, मतलब इसमें क्वेश्चन नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, पहले डायग्राम बना लीजिए। कई बार हमें समझ में आ जाता है कि पैसेज के साथ क्वेश्चन को रीड करना है या नहीं करना है, ये प्रैक्टिस से बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब समझिए क्या क्या क्वेश्चन बोला है, मैंने एक आइडिया ले लिया क्योंकि 6 पर्सन बोले गए हैं, तो 6 पर्सन क्या क्या है वो देखिए जरा यहाँ पर अच्छे से। 6 पर्सन में ये बोला गया है, एक है ए बी सी डी ई एफ, राइट, देर आर 6 पर्सन ए बी सी डी ई एंड एफ इन अ स्कूल, ईच ऑफ टीचर टीचेस 2 सब्जेक्ट, 1 कंपल्सरी सब्जेक्ट एंड 1 ऑप्शनल सब्जेक्ट। कंपल्सरी सब्जेक्ट को सी से डिनोट कर लेंगे, ऑप्शनल सब्जेक्ट को हम ओ से डिनोट कर लेंगे, यानी हर टीचर के पास केवल 2 सब्जेक्ट हैं, एक कंपल्सरी और एक ऑप्शनल। कैसे है वो बताता हूँ, आप क्या क्या बोला सुन लीजिए। सब्जेक्ट बोला है हिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश एंड केमिस्ट्री। अब कैसे बोला गया वो सुनिएगा, देर आर 6 पर्सन ए बी सी डी एंड ई एंड एफ इन अ स्कूल, ईच ऑफ टीचर टीचेस 2 सब्जेक्ट, 1 कंपल्सरी सब्जेक्ट एंड द अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट। डी ऑप्शनल सब्जेक्ट वॉज हिस्ट्री, डी का ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री है, हिस्ट्री पे ऑप्शनल लगा दीजिए, डी का ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री है, ओके, डी इज ऑप्शनल सब्जेक्ट वॉज हिस्ट्री, वाइल 3 अदर हैव इट्स कंपल्सरी सब्जेक्ट हिस्ट्री। यानी 3 लोगों की बात कंफर्म हो गए। अब आपके पास लोग कितने बचे, 1, 2, 3, 4, 5, इन 5 में से 3 के पास हिस्ट्री एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट होगा। क्या होगा वो अगले क्वेश्चन में समझ में जाएगा, डी इज ऑप्शनल सब्जेक्ट वॉज हिस्ट्री वाइल 3 अदर हैव इट्स कंपल्सरी सब्जेक्ट, ठीक। ई एंड एफ हैव फिजिक्स एज 1 ऑफ द सब्जेक्ट, ई और एफ का फिजिक्स जो है वो 1 कंपल्सरी सब्जेक्ट, फिजिक्स एंड एफ, तो कंपलसरी भी हो सकता है ऑप्शनल भी हो सकता है, कंपलसरी भी हो सकता है ऑप्शनल भी हो सकता है। आगे की इन्फॉर्मेशन से हमें क्लियर हो जाएगा, फिजिक्स की बात कर रहे हैं, ई एंड एफ हैव फिजिक्स एज 1 ऑफ द सब्जेक्ट, एफ इज कंपलसरी सब्जेक्ट मैथ्स, एफ का कंपलसरी सब्जेक्ट मैथ्स है, तो अगर ये मैथ्स है तो ऑब्वियसली मैथ्स कंपलसरी है, तो ये ऑप्शनल हो गया, ये ऑप्शनल हो गया, तो ये कंपलसरी हो गया, राइट, ये हो गया कंपलसरी। अब एक चीज समझिए कि यहाँ पर ये 2 लोगों का कंपलसरी सब्जेक्ट हमें मिल चुका है, अब हमारे पास इसका हिस्ट्री का, देखिए ई का हो गया, एफ का हो गया, डी का भी हो गया, तो इसका मतलब ये हिस्ट्री वाले ही होंगे, कंपलसरी। समझ में आया बात, क्योंकि आपको बोला है 3 लोगों के पास कंपलसरी हिस्ट्री है, अब हिस्ट्री नीचे तो कहीं है नहीं, तो इसका मतलब डी का ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री है, तो कंपलसरी कुछ और होगा। ई का कंपलसरी सब्जेक्ट मिल गया आपको फिजिक्स, एफ का कंपलसरी सब्जेक्ट आपको मिल गया क्या मैथ्स, तो आपको ये समझ में आ गया कि ए बी सी के कंपलसरी सब्जेक्ट हिस्ट्री होंगे क्योंकि 3 बोला। ये क्वेश्चंस की पकड़ना है आपको कि कहां पर कैसे करें क्वेश्चन। अब सुनिए इसके बाद क्या बोला गया, ई एंड एफ हैव फिजिक्स इज 1 ऑफ देयर सब्जेक्ट, एफ इज कंपलसरी सब्जेक्ट मैथ्स विच इज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑफ बोथ सी एंड ई, सी और ई का ऑप्शनल सब्जेक्ट मैथ्स हो गया। अब देखिए इस टीचर के भी 2 सब्जेक्ट हो गए, इसकी कहानी खत्म हो गई, इसके भी 2 हो गए, इसकी भी बात खत्म हो गई, इसके भी 2 हो गए, इसकी भी बात खत्म हो गई, राइट। अब जो बचे हमारे उसके बारे में हम देखते हैं, ये तरीका होता है कट लगाने से हमें समझ में आ जाता है कि अब इनके बारे में नहीं सोचना है। अब देखिए क्या बोला है, ई एंड एफ हैव फिजिक्स इज 1 ऑफ द सब्जेक्ट, एफ इज कंपल्सरी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स विच 1 ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट, सी एंड ई, अब देखिए एफ इज कंपल्सरी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स विच इज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट बोथ सी एंड ई, वो हो गया। अब उसके आगे बढ़ते हैं, हिस्ट्री एंड इंग्लिश आर ए सब्जेक्ट, हिस्ट्री एंड इंग्लिश ए सब्जेक्ट, तो ये कंपलसरी है तो ये ऑप्शनल हो गया। हिस्ट्री एंड इंग्लिश आर ए सब्जेक्ट बट इन टर्म ऑफ कंपलसरी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट दे आर जस्ट रिवर्स दोज डी, डी के रिवर्स होंगे, तो डी का ऑप्शनल ये है तो डी का ये इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट हो गया। अब इसकी भी बात खत्म हो गई। अब क्या बचा हुआ है, केमिस्ट्री इज वन ऑप्शनल सब्जेक्ट ओनली वन ऑफ देम।
अब केवल केमिस्ट्री ही वन ऑप्शन, ये वैसे भी कंपलसरी है तो ये ऑप्शनल हो गया। अब देखिए आपने पूरे डायग्राम को बहुत ही सिस्टमेटिक वे में बना लिया, अब इसके बाद आप क्वेश्चन पढ़ें, आपका क्वेश्चन इम्पॉसिबल है कि रॉन्ग हो जाए। ये एक टेक्निक्स है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। रीजनिंग को पढ़ने का बहुत अलग तरीका होता है, तो जो मैं आपके साथ सेशन शेयर करूंगा, मैं बिल्कुल श्योर हूं कि इन सेशन से आप बहुत स्ट्रांग रीजनिंग कर लेंगे और आपको खुद बनेंगे। और मैं फिर बोलूंगा कि इन क्वेश्चन को का सॉल्यूशन नहीं देखना है, पहले पहले क्वेश्चन का इमेज जो है उससे क्वेश्चन को रीड करना, सेल्फ सॉल्व करना, देन स्टार्ट करें क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। 6 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 6 में बोला गया है व्हाट इज सी कंपलसरी सब्जेक्ट, सी का कंपलसरी सब्जेक्ट क्या है, तो आप बोलेंगे हिस्ट्री, राइट। सी का कंपलसरी सब्जेक्ट हिस्ट्री, ये क्वेश्चन खत्म, राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, हु इज अ फीमेल मेंबर इन अ ग्रुप। अब फीमेल मेंबर इन अ ग्रुप एक ही है और फीमेल के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट इंग्लिश था, तो कंपलसरी सब्जेक्ट इंग्लिश में जाएं तो डी ही होगा, यानी आप देखिए यहां पे ध्यान से, तो इसका आंसर होगा डी। इसके ऑप्शन ऐसे दिए थे ए बी सी डी ई, तो डी होगा, क्योंकि जिसके पास इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट है वो फीमेल टीचर है, तो ये फीमेल टीचर हो गई, राइट। देन ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, देखिए कितने इजीली बनने लगे। अब अगर आप ओवरऑल टाइम देखें तो 5 क्वेश्चन का ओवरऑल टाइम लेस देन 5 मिनट होगा, पहले ही 3 मिनट में पहले क्वेश्चन को पढ़ने में लगा, पर क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा। अब देखें हम क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेम कंपलसरी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट एज दोज ऑफ एफ, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेम कंपलसरी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट एज दोज एफ, ऐसा तो हो नहीं सकता, एफ के वैसे देखें तो ऐसा कोई भी नहीं होगा, इसके कंपलसरी ऑप्शनल सब्जेक्ट ये हैं, तो ये किसी और में नहीं है, ना तो ये डी में है जो जो ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, किसी मतलब ये देखिए आप अगर ध्यान दें तो आपको बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेम कंपलसरी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट एज दोज ऑफ एफ, एफ के जो सब्जेक्ट एफ सॉरी यहाँ हैं एफ के ये हैं। अब ये देखिए कहीं पर है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज, इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज, यस। 9th क्वेश्चन अगर देखें तो क्या बोला है, डिसरिगार्डिंग विच ऑफ द कंपलसरी एंड विच इज द ऑप्शनल सब्जेक्ट हु हैज द सेम टू सब्जेक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एफ, एफ के कॉम्बिनेशन क्या है, फिजिक्स एंड मैथ्स, तो देखिए ई के भी कॉम्बिनेशन यही है, फिजिक्स एंड मैथ्स, भले ही ऑप्शनल कॉम्बिनेशन सेम हुआ, इंटरचेंज हुआ, पर जो एफ के सब्जेक्ट हैं वही ई के भी सब्जेक्ट हैं, तो यानी एफ और ई वाले टीचर्स सेम सब्जेक्ट रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ई, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ई, एट का तो नन था, हमने नन बोला था, इसका करेक्ट आंसर होगा 9th का ई। फिर क्वेश्चन नंबर 10th की बात करें तो देखिए 10th में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैज हिस्ट्री एज द कंपलसरी सब्जेक्ट, हिस्ट्री किसका कंपलसरी सब्जेक्ट है, तो हिस्ट्री कंपलसरी सब्जेक्ट है ए बी सी का, तो 10th क्वेश्चन का आंसर होगा ए बी सी, राइट। नोट कर लीजिए क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, आप समझिए इन क्वेश्चंस को। अब क्वेश्चंस में केवल चेंज क्या होता है, इसी तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं पर डेटा चेंज होता है, लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो सकती है, पर अप्रोच हमेशा याद रखिएगा सिमिलर होगी, डिपेंड ऑन क्वेश्चन, नोट करिए क्वेश्चन को, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 to 13 क्या क्वेश्चन है समझते हैं और बहुत अच्छे से करते हैं, 3 क्वेश्चन रिलेटेड है 11, 12 and 13। और इस क्वेश्चन में बोला रवि एंड कुणाल आर गुड इन हॉकी एंड वॉलीबॉल, सचिन एंड रवि आर गुड इन हॉकी एंड बेसबॉल, गौरव एंड कुणाल आर गुड इन क्रिकेट एंड वॉलीबॉल, सचिन गौरव एंड माइकल आर गुड इन फुटबॉल एंड बेसबॉल। तो मैंने यहाँ पर क्या करा हुआ, इस तरह का चार्ट जैसे अभी हम कर रहे थे बिल्कुल वैसे ही करा है, 5 गेम है, हॉकी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट एंड फुटबॉल, राइट। ये हमने 5 गेम के नाम लिख लिए, यहाँ पर पर्सन के नाम लिख लिए, रवि, कुणाल, सचिन, गौरव एंड माइकल। अब जो क्वेश्चन बोला गया है उसको अगर हम रीड करेंगे तो इजीली कर पाएंगे, रवि एंड कुणाल आर गुड इन हॉकी एंड वॉलीबॉल, हॉकी एंड वॉलीबॉल, राइट, हॉकी एंड वॉलीबॉल, ठीक है, सॉरी वॉलीबॉल है तो ये वाला होगा, वो बेसबॉल है। फिर उसके बाद बोला है रवि एंड कुणाल आर गुड इन हॉकी एंड वॉलीबॉल, ठीक है, सचिन एंड रवि आर गुड इन हॉकी एंड बेसबॉल, सचिन एंड रवि, ये सचिन है ये रवि है, किसमें बोला सचिन एंड रवि गुड इन हॉकी एंड बेसबॉल, हॉकी
एंड बेसबॉल, ठीक है, सचिन एंड रवि हो गया। अब उसका बोला गौरव एंड कुणाल, गौरव एंड कुणाल, गौरव एंड कुणाल आर गुड इन क्रिकेट, गौरव एंड कुणाल गुड इन क्रिकेट, गौरव एंड कुणाल गुड इन क्रिकेट एंड वॉलीबॉल। कुणाल पहले से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद बोला है सचिन, गौरव एंड माइकल आर गुड इन फुटबॉल एंड बेसबॉल, ठीक है, सचिन गौरव, सॉरी एक मिनट, सचिन गौरव, सचिन गौरव एंड माइकल फुटबॉल में है, सचिन गौरव एंड माइकल, तो पहले इन तीन पे लगा दिया। इसके अलावा भी बोला है गुड इन फुटबॉल एंड बेसबॉल। अब जो नहीं है उस पर कट कर दीजिए, उससे बहुत इजी हो जाता है, कट करने से ये पता चल जाता है कि कौन किस में बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है और किस में नहीं दे रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्या क्वेश्चन बोला गया है समझते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है हु इज गुड इन हॉकी क्रिकेट एंड वॉलीबॉल, हॉकी क्रिकेट एंड वॉलीबॉल, ठीक है। अब देखिए इसका लॉजिक ये होता है कि इसमें जैसे नाम क्या क्या दिए देखते हैं, एक नाम दिया सचिन, एक नाम दिया कुणाल, एक नाम दिया रवि, एक नाम दिया गौरव। अब क्या क्या मैच बोले, हॉकी क्रिकेट एंड वॉलीबॉल, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले अगर सचिन की बात करें तो सचिन क्रिकेट में गुड नहीं है, तो सचिन आंसर रिजेक्ट हो गया। कुणाल की बात करें तो कुणाल हॉकी में भी गुड है, वॉलीबॉल में भी गुड है, क्रिकेट में भी, यानी कुणाल इज आर राइट आंसर, कुणाल इज आर राइट आंसर। देखिए अगर आप बाकी चेक करें भी नहीं तो चलेगा, बाकी अगर रवि पे आ जाएं तो रवि के साथ देखिए क्या होगा, क्रिकेट में गुड नहीं है, गौरव के साथ आ जाएं तो हॉकी में गुड नहीं है। ये एक चार्ट बना लेने से आपके क्वेश्चंस अपने आप ही इजीली हैंडल हो जाएंगे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं और समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, हु इज गुड इन बेसबॉल क्रिकेट एंड वॉलीबॉल, ठीक है, गुड इन बेसबॉल क्रिकेट एंड वॉलीबॉल, क्या क्या नाम दिए हैं। अब देखिए इसमें नाम दिए जैसे सचिन, कुणाल, गौरव एंड रवि। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सचिन की अगर बात करें तो क्या क्या बोला, सचिन क्रिकेट में गुड नहीं है, सचिन आंसर रिजेक्ट। कुणाल की बात करें तो कुणाल क्रिकेट में तो ठीक है, क्रिकेट में गुड है, बेसबॉल में भी कुणाल जो है वो बेसबॉल में नहीं है, तो कुणाल भी राइट रॉन्ग हो गया। फिर गौरव पे आ जाओ, गौरव बेसबॉल में भी गुड है, बेसबॉल में गुड है, वॉलीबॉल में भी गुड है, क्रिकेट में भी, तो इसका मतलब इसका आंसर होगा गौरव, गौरव इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, हु इज गुड इन बेसबॉल, ठीक है, हु इज गुड इन बेसबॉल वॉलीबॉल एंड हॉकी, नाम दिए हैं सचिन, कुणाल, रवि एंड गौरव। अब देखिए सबसे पहले बेसबॉल की अगर बात करें तो बेसबॉल में हम देखें तो सचिन कैसा है, वॉलीबॉल में सचिन गुड नहीं है, तो ये रिजेक्ट हो गया सचिन। कुणाल पे आ जाएं तो कुणाल बेसबॉल में गुड नहीं है, तो कुणाल भी रिजेक्ट। रवि की बात करें तो रवि बेसबॉल, वॉलीबॉल और हॉकी इन तीनों में ही है, तो करेक्ट आंसर हुआ रवि, रवि इज अ राइट आंसर। राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 14 to 17, अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा और किस ढंग से करना है वो बताता हूं। सबसे पहले देखिए, फोर यंग मैन राज, प्रेम, वेद एंड अशोक आर फ्रेंडली विथ फोर गर्ल्स सुषमा, कुसुम, बिमला एंड पूनम। राइट, अब ये फोर करेक्टर्स हैं बॉयज के, फोर नेम है गर्ल्स के, यानी फोर ये फ्रेंड्स हैं आपस में, कौन किसकी फ्रेंड से बताना है, तो बहुत ही ध्यान से करना है क्वेश्चन को और समझना है कि क्या बोला गया। अब सबसे पहले हम पढ़ें कि सुषमा, सभी पूरा इसमें नहीं आएगा चार्ट, इसको समझना, थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन। सुषमा एंड बिमला आर फ्रेंड, मतलब सुषमा जो है वो एक चीज पता है कि बिमला की फ्रेंड है। राइट, सुषमा एंड बिमला आर फ्रेंड। वेद जो है, वेद, वेद गर्लफ्रेंड डज नॉट लाइक सुषमा एंड बिमला, जो वेद की गर्लफ्रेंड है वो सुषमा और बिमला को लाइक नहीं करती है। एक चीज ये समझ लीजिए कि बोला गया है कि वेद गर्लफ्रेंड डज नॉट लाइक, मैं फ्रेंड्स यहाँ पे बता दूंगा कौन किसका होगा,
तो विद गर्लफ्रेंड डज नॉट लाइक सुषमा एंड बिमला, कुसुम डज नॉट केयर फॉर वेद, कुसुम भी वेद की केयर नहीं करती, तो ऑब्वियसली वेद की गर्लफ्रेंड जो होगी वो होगी पूनम, राइट? देखिए क्वेश्चन को अगर ध्यान से समझेंगे तो आप अपने आप कर पाएंगे। सुषमा और बिमला फ्रेंड है और आपको ये बोला गया है सुषमा एंड बिमला आर फ्रेंड, वेद की जो गर्लफ्रेंड है वो इन दोनों को लाइक नहीं करती सुषमा एंड बिमला को, और कुसुम वेद की केयर नहीं करती, इसका मतलब बचा पूनम। तो पूनम एक ऐसी है जो कि इस ये इनकी केयर नहीं कर रही है और कुसुम उसको लाइक नहीं करती। अब उसके बाद देखिए क्या बोला है, वेद गर्लफ्रेंड डज नॉट लाइक सुषमा एंड बिमला, कुसुम डज नॉट केयर फॉर वेद, प्रेम गर्लफ्रेंड इज फ्रेंडली विथ, प्रेम की जो गर्लफ्रेंड है फ्रेंडली विथ सुषमा। तो अगर प्रेम की जो गर्लफ्रेंड है फ्रेंडली विथ सुषमा, तो सुषमा की फ्रेंड कौन है? बिमला। तो इसका मतलब राज की आपको फ्रेंड गर्लफ्रेंड पता चल गई कि बिमला है, ये कट कर दीजिए। जो पता चलता जाए उसको कट करने से बहुत क्लियरिटी आती है। उसके बाद बोला है प्रेम गर्लफ्रेंड, प्रेम गर्लफ्रेंड इज फ्रेंडली विथ, सॉरी प्रेम गर्लफ्रेंड इज फ्रेंडली विथ सुषमा, तो मुझे यहाँ पे प्रेम में लगाना था, ये गलती से वहाँ लगा दिया, कहीं ऐसी मिस्टेक हो जाए तो आप देखते हुए चलिएगा। चलिए अब उसके बाद क्या बोला सुन लीजिए, सुषमा डज नॉट लाइक प्रेम, सॉरी सुषमा डज नॉट लाइक राज, सुषमा जो है वो राज को लाइक नहीं करती। तो अगर सुषमा लाइक राज को लाइक नहीं करती तो सुषमा राज की गर्लफ्रेंड होगी कुसुम, क्योंकि ये पहले ही हो चुकी है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो अशोक की गर्लफ्रेंड जो होगी सुषमा, ये आपने सारे कंसेप्ट निकाल लिए। अब अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार फिर समझ लीजिए इस क्वेश्चन का की था सुषमा प्लस बिमला, ये दोनों आपस में फ्रेंड हैं, अगर इस चीज़ को समझ लिया तो क्वेश्चन इजीली हैंडल होता है। तो बोला है फोर यंग मैन राज प्रेम वेद एंड अशोक आर फ्रेंडली विथ फोर गर्ल्स सुषमा कुसुम बिमला एंड पूनम, सुषमा एंड बिमला आर फ्रेंड, वेद गर्लफ्रेंड डज नॉट लाइक सुषमा, सुषमा एंड बिमला, तो वेद की गर्लफ्रेंड सुषमा और बिमला को लाइक नहीं करते, कट करा। और एक और वर्ड दिया है कि कुसुम डज नॉट केयर वेद, कुसुम जो है वो वेद की केयर नहीं करती, तो इसका मतलब हमें एक की गर्लफ्रेंड मिल गई बिमला, सॉरी पूनम। अब उसके बाद वेद के बाद हम जब आगे बढ़ते हैं, प्रेम गर्लफ्रेंड फ्रेंडली विथ सुषमा, प्रेम की जो गर्लफ्रेंड है वो सुषमा की फ्रेंडली है, तो इसका मतलब प्रेम की जो गर्लफ्रेंड होगी वो बिमला होगी, इसलिए सुषमा के साथ है, तो ये एक चीज पता चल गई। फिर उसके बाद बोला सुषमा डज नॉट लाइक राज, सुषमा अगर राज को लाइक नहीं कर रही तो वह अशोक की फ्रेंड हो गई, तो बचा हुआ ही आ गया। अब आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करिए, देखिए कितने इजीली बनता है। हु इज राज गर्लफ्रेंड, राज की गर्लफ्रेंड कौन होगी, पहला क्वेश्चन। तो राज की गर्लफ्रेंड होगी कुसुम, कुसुम इज अ राइट आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर होगा वो होगा कुसुम। फिर आते हैं 15 पे, हु विथ हुम इज सुमन फ्रेंडली, सुमन किसके साथ फ्रेंडली है, देख लीजिए एक मिनट, सुषमा होगा वो, विथ हुम इज सुषमा फ्रेंडली, तो सुषमा किससे फ्रेंडली है, अशोक से, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अशोक 15 का। देन फिर जब हम 16 पे आते हैं, हु इज पूनम बॉयफ्रेंड, पूनम का बॉयफ्रेंड कौन है, तो पूनम का जो बॉयफ्रेंड है वो है वेद, राइट, पूनम का बॉयफ्रेंड है वेद। एंड लास्ट वन क्वेश्चन देखें तो 17, हु डज नॉट लाइक सुषमा एंड बिमला, सुषमा और बिमला को कौन लाइक नहीं करता। याद हो तो पहले में जब हमने देखा था तो सुषमा और बिमला को वेद लाइक नहीं करता, तो इसका मतलब पूनम हो गया, क्योंकि गर्ल्स के लिए बताना है, तो पूनम इज अ राइट आंसर, राइट, नोट कर लीजिए पूरे क्वेश्चन को। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए 18-22 यानी 5 क्वेश्चन हैं, किस तरह से करना है वो बताता हूं। 4 प्लेयर ए बी सी एंड डी आर होल्डिंग 4 कार्ड ईच, ए बी सी डी 4 प्लेयर हैं जिनके पास 4 कार्ड ईच, ईच ऑफ देम हैज एस अ किंग अ क्वीन एंड अ जैक, ऑल ऑफ देम हैव ऑल द सूट स्पेड हार्ट कार्ड क्लब एंड डायमंड, यानी अगर आपको पता हो तो 52 कार्ड में टोटल 4 सूट कार्ड होते हैं। कौन कौन से सूट कार्ड होते हैं 52 कार्ड में, पहले 52 कार्ड के कलर की बात करें तो 2 कलर्स होते हैं, 26 रेड 26 ब्लैक, राइट, फिर इसमें रेड में 2 हो गए 13 डायमंड 13 हार्ट, राइट, फिर 13 क्लब एंड 13 स्पेड। अब यहाँ पर बात आती है
कि आपको बोला गया है कि चार पर्सन है ए बी सी डी जो कि प्लेइंग कार्ड की बात कर रहे हैं, हर एक के हाथ में फोर कार्ड हैं और हर एक सूट के कार्ड हैं, राइट। मतलब वो कार्ड स्पेड का भी है, डायमंड का भी, क्लब का भी, हार्ट का भी, और वो भी उसमें क्या क्या है, एस जैक किंग क्वीन, मतलब इक्का, गुलाम, बादशाह और बेगम, ये पत्ते उनके हाथ में। अब क्या क्या क्वेश्चन में बोला उसके हिसाब से हम अरेंज करेंगे तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं जाएगा। देखिए बोला ए ए ए हैज एस ऑफ स्पेड, ओके यहां पर ए लिख दीजिए, एस ऑफ स्पेड एंड क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ डायमंड किसके पास, ए के पास, ये हो गया ठीक है। ए हैज एस ऑफ स्पेड एंड क्वीन ऑफ डायमंड, बी हैज एस ऑफ क्लब, बी के पास एस ऑफ क्लब है, बी आ गया यहां पर, मतलब ठीक है, बी हैज एस ऑफ क्लब एंड किंग ऑफ डायमंड, किंग ऑफ डायमंड ये बी के पास है, किंग ऑफ डायमंड मतलब ईट का बादशाह। फिर आते हैं सी, सी हैज क्वीन ऑफ क्लब, सी हैज क्वीन ऑफ क्लब एंड किंग ऑफ स्पेड, किंग ऑफ स्पेड, ये सी की बात हो गई ठीक है। डी हैज अ जैक ऑफ कार्ड, डी के लिए क्या बोला है, डी हैज जैक ऑफ क्लब, डी हैज जैक ऑफ क्लब, ये हो गया डी। आप क्वेश्चन एक बार फिर सुनिएगा, फोर प्लेयर ए बी सी एंड डी हैज आर होल्डिंग फोर कार्ड ईच, ईच ऑफ देम हैज एस किंग अ क्वीन एंड अ जैक, ऑल ऑफ देम हैव ऑल द सूट हैं सभी के पास ठीक है, स्पेड, हार्ट, क्लब एंड डायमंड। ए के पास क्या क्या, सुनिए, ए हैज एस ऑफ स्पेड, ए के पास एस ऑफ स्पेड है एंड क्वीन ऑफ डायमंड है ए के पास, एंड क्वीन ऑफ डायमंड ये मैंने यहाँ गलत लिख दिया था, अच्छा रहा चेक कर लिया, क्वीन ऑफ डायमंड। बी हैज एस ऑफ क्लब ठीक है एंड किंग ऑफ डायमंड ये बी हो गया ठीक है। फिर आते हैं सी, सी के पास क्या बोला, सुनिए, सी हैज क्वीन ऑफ क्लब ठीक है एंड किंग ऑफ स्पेड, ये सी के पास है। डी हैज अ जैक ऑफ क्लब, डी के पास बारे में बोला है कि जैक ऑफ क्लब, ये आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, पर हर एक के हाथ में फोर कार्ड हैं तो कैसे करेंगे वो देखते चलिए। जैसे यहाँ पर अगर हम ध्यान देंगे तो हमारा बचा हुआ फिगर भी बनता जाएगा, जैसे ए के पास स्पेड है, ए के पास डायमंड है राइट, तो ए के पास अब देखिए इक्का भी आ गया, क्वीन भी आ गई, इस ढंग से आपको देखते हुए चलना है कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मिसिंग होंगी। अब देखिए हर एक के पास, आप इस क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा लॉजिकली, बस आपके इतनी इन्फॉर्मेशन है, पर आपके पास एक इन्फॉर्मेशन और है कि हर एक के पास, मतलब ए के पास भी फोर कार्ड है, बी के पास भी फोर कार्ड है, सी के पास भी फोर कार्ड है और डी के पास भी फोर कार्ड है, और एक और बात कि वो स्पेड, डायमंड, क्लब, हार्ट के ही होंगे और इनमें से एक इक्का होगा, एक जैक होगा, एक किंग होगा, एक क्वीन होगा, ये भी है। अब देखिए यहाँ पर आपको अगर देखें तो क्लब के बारे में ये पता है कि बी के पास एक क्लब है, जैक डी के पास है, सी भी हो गया, तो यहाँ पर आ गया ए, राइट। अब जरा लॉजिक से देखिए, ये ए है, बी है, सी है, तो ये ऑब्वियसली डी होगा, राइट। अब यहाँ पर ए है, यहाँ पर सी है, राइट, यहाँ पर ए है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर देखिए ए है, यहाँ पर सी है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या हो सकता था वो देख लीजिए, अगर मैं यहाँ पर ले लूँ बी तो यहाँ पर डी नहीं हो सकता, इसका मतलब इस प्लेस पर होगा डी तो इस प्लेस पर अपने आप ही हो गया बी, इस प्लेस पर अपने आप ही बी हो गया। अब देखिए यहाँ पर ए है, ये सी है, ये डी है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर होगा बी। अब आपके पास बिल्कुल ऐसे रिकॉर्ड मिलते जाएंगे, ये हो गया ए बी सी डी, देखिए ए बी सी डी, और कोई भी रो और कॉलम मैच नहीं करना चाहिए, डिफरेंट कार्ड है। अब देखिए यहाँ पर ए है, बी है, बी और डी यहाँ ऑलरेडी आ चुका है, तो क्या हो सकता है सी, और यहाँ अगर सी है तो यहाँ पर होगा डी। अब ध्यान से देखिए, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, अब यहाँ पर आइए, ए बी डी तो ये बचा सी, बी सी डी तो ये बचा ए। अब आप जरा चेक कर लीजिए कि कोई भी कॉम्बिनेशन ए बी सी डी,
राइट, ऐसे में और ऐसे में मैच नहीं करना चाहिए, तो ए बी सी डी, डी सी बी ए मैच नहीं कर रहा, देखिए वैसे ही बी डी ए सी, सी ए डी बी, अब इधर आइए, ए डी बी सी, बी सी डी ए, सी बी ए डी, राइट, अब ये आपका पूरा चार्ट बन गया। यानी इतनी थोड़ी इन्फॉर्मेशन से आपने एक चीज़ निकाल ली, क्योंकि हमें एक बात पता है कि जो चार लोग हैं ए बी सी डी, उनके पास एक कार्ड स्पेड का है, एक डायमंड का, एक क्लब का, एक हार्ट का, मतलब एक चिड़ी का पत्ता, एक काले पान का पत्ता, एक लाल पान का पत्ता और एक ईट का, और एक इक्का है, एक गुलाम है, एक राजा है और एक बेगम है, तो उसी ऑर्डर में, पर इनके कॉम्बिनेशन है, ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही के पास, एक के पास दो स्पेड के इक्के और गुलाम है, ये नहीं हो सकता था, या ना बी के पास हो सकता था। अब ये चार्ट बना लिया आपने, अब इस क्वेश्चन को हम किस ढंग से करेंगे वो देखते हैं। अब क्वेश्चन जो जो बोला गया उसको हम ध्यान से समझें, तो पहला क्वेश्चन जो बोला गया है वो क्या बोला, देखिए पहले क्वेश्चन में बोला गया है क्वेश्चन नंबर 18, एस ऑफ डायमंड इज विथ, एस ऑफ डायमंड इज विथ, एस ऑफ डायमंड, एस ऑफ डायमंड किसके पास है, तो ऑब्वियसली डी के पास, यानी 18 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा डी, एस ऑफ डायमंड जो है वो डी के पास है। जैक ऑफ हार्ट, जैक ऑफ हार्ट वो ए के पास है, तो 19 क्वेश्चन का आंसर होगा ए। फिर आते हैं 20, क्वीन ऑफ स्पेड, क्वीन ऑफ स्पेड इसका आंसर होगा, क्वीन ऑफ स्पेड मतलब डी के पास। फिर इसके बाद बात करते हैं, तो देखिए क्या क्वेश्चन है, इसके बाद क्वेश्चन में है 21 में बोला गया है सी हैज विच ऑफ द फॉलोइंग विद हिम, सी के पास क्या है, सी के पास क्या है ये पूछा गया। देखिए तो अगर हम सी के पास देखें, सी हैज विच ऑफ द फॉलोइंग विद हिम, एस ऑफ हार्ट, सी के पास क्या क्या है, तो एस ऑफ हार्ट बिल्कुल ठीक है, सी की बोली बात कही है तो ठीक है, सी के पास एस ऑफ हार्ट हो गया, ये तो करेक्ट है, यही करेक्ट हो गया, तो बाकी किसी को देखने की जरूरत नहीं है। बाकी जैसे जैक ऑफ स्पेड बोला है, तो जैक ऑफ स्पेड जो है वो बी के पास है, सी के पास नहीं, ऐसे ऑप्शन रिजेक्ट करते हैं। किंग ऑफ हार्ट, किंग ऑफ हार्ट डी के पास है, तो ये भी नहीं हो सकता, डी है क्वीन ऑफ स्पेड, क्वीन ऑफ स्पेड डी के पास है, इसका मतलब करेक्ट आंसर इसका हुआ एस ऑफ हार्ट ए। फिर बात करते हैं 22 की, 22 में बोला डी हैज विच ऑफ द फॉलोइंग विथ हिम, डी के पास क्या है, पहला है डी के पास, अब देखिए डी कहाँ कहाँ है, एस ऑफ हार्ट, एस की बात करें तो डायमंड का ये रिजेक्ट, क्वीन ऑफ हार्ट, क्वीन ऑफ डी की बात कर रहे हैं तो क्वीन ऑफ हार्ट ये भी नहीं है, एक मिनट, बी डी हैज विच ऑफ द फॉलोइंग हिम, डी के पास तो पहला एस ऑफ हार्ट रिजेक्ट, क्वीन ऑफ हार्ट, क्वीन ऑफ हार्ट ये बी के पास है तो ये भी रिजेक्ट, सी पे आओ, किंग ऑफ हार्ट, किंग ऑफ, किंग ऑफ हार्ट बिल्कुल ठीक है, यही डी के पास है, किंग ऑफ हार्ट, राइट। यानी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझना था, क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करना था, उसके बाद एक डायग्राम बनाना था, और जितनी इन्फॉर्मेशन थी पहले वो फिल करने के बाद बची हुई इन्फॉर्मेशन को अकॉर्डिंग टू कॉम्बिनेशन लेने थे कि कोई भी रो और कोई भी कॉलम में ए बी सी डी मैच ना करे। नोट करिए क्वेश्चन को, यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 23 to 26 क्या क्वेश्चन है समझिएगा। सिक्स फ्रेंड आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, सिक्स फ्रेंड जो हैं वो एक सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हुए हैं, ओके, सिक्स फ्रेंड आर सिटिंग एट अराउंड अ सर्कुलर टेबल एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, ए इज सिटिंग टू प्लेस राइट ऑफ बी, मान लीजिए ए यहाँ है, ये पहले डिस्टेंस देख लें, हम पहले सिक्स इक्वल बोला है, 1, 2, 360 डिवाइडेड बाय 60, याद रखिएगा 60 के डिफरेंस में बैठेंगे तो एक ही हो गया, एक ही हो गया, ये हो गया, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ए यहाँ है, तो बोला है सिक्स फ्रेंड आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, ए इज सिटिंग टू प्लेस राइट ऑफ बी, टू प्लेस राइट ऑफ बी, तो अगर हम देखें तो ये टू प्लेस राइट ऑफ बी, ए इज सिटिंग, सॉरी टू प्लेस राइट ऑफ बी, बी के राइट को, बी अपने आप को रखिए तो बी के राइट पे टू प्लेस, तो यहाँ बी आ गया, ठीक है, हु इज एग्जैक्टली अपोजिट टू सी, जो कि सी के एग्जैक्टली अपोजिट है, ठीक है, एग्जैक्टली अपोजिट टू सी, सी इज ऑन इमीजिएटली लेफ्ट ऑफ डी, तो ये इमीजिएटली लेफ्ट ऑफ डी, ये हो गया राइट, यहां पर ऐसे बैठे हो तो देखिए इमीजिएटली लेफ्ट ऑफ डी, हु इज एग्जैक्टली अपोजिट टू ई, डी जो है वो अपोजिट टू ई है,
एफ इज ऑल्सो इंक्लूडिंग टेबल एफ, ये आ गया। अब सभी अरेंजमेंट हो गए, याद रखिएगा सभी में 60-60 का गैप है, ऐसा एक तरह से ये एक फिगर आ गया हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 23 को ध्यान से देखें तो क्या देखिए, हु इज द ओनली पर्सन बिटवीन बी एंड ए, बी एंड ए के बीच में कौन सा पर्सन है, तो बी और ए के बीच में पर्सन है ई, तो करेक्ट आंसर हुआ ई। फिर 24 को देखिए जरा क्या है, ए इज नॉट सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम, ए इज नॉट सिटिंग इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम, ए किससे इक्वल डिस्टेंस नहीं है, ऑप्शन है ई एंड एफ, पहला ई एंड एफ तो इक्वल डिस्टेंस है, फिर है बी डी एंड बी, डी एंड बी से भी इक्वल डिस्टेंस है, सी पे आए एफ एंड डी, ये नहीं होगा, इससे 60 पे, इससे 120 पर है, राइट। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 25, बी सिटिंग टू, बी सिटिंग टू लेफ्ट ऑफ एफ, बी का एफ से कोई रिलेशन नहीं, रॉन्ग, राइट ऑफ ई, ई के राइट पर नहीं है, लेफ्ट ऑफ ई, यस ई यहां बैठा है तो इसके लेफ्ट पर बी है, दिस इज द राइट आंसर, लेफ्ट ऑफ ई, यानी सी इज अ राइट आंसर। एंड 26 इज द एंगल सबसेंट बाय एफ एंड सी, एफ एंड सी के बीच का एंगल, तो देखिए 60-60 यानी कितना एंगल हो गया, 120 डिग्री इज अ राइट आंसर, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन।